हाँ जी, गुड इवनिंग। मेरी लास्ट वीडियो बनाने के बाद से दो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हो गई हैं जिनको डिस्कस करने के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड करी जा रही है। सबसे पहली चीज़ क्या हुई, CS और CMA इंस्टीट्यूट्स जो हैं इन्होंने अपने रिस्पेक्टिव एग्जाम्स को पोस्टपोन कर दिया। पहले एग्जाम्स जून के अंदर होने वाले थे, अब जुलाई के अंदर होने वाले हैं। और दूसरी चीज़ क्या हो गई, हमारा जो नेशन वाइड लॉकडाउन 3 मई को ओपन अप होने वाला था, खत्म होने वाला था, दैट हैज़ बिन फर्दर एक्सटेंडेड बाई 14 डेज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और उनकी भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ चुकी है। अब यही दोनों डेवलपमेंट्स आने के बाद अगेन वही क्वेश्चंस उठ के आने लग गए, क्या CA के एग्जाम्स भी पोस्टपोन करे जाएंगे, क्या हमारे एग्जाम्स कैंसिल करे जाएंगे, दोनों में से क्या कॉल ली जाएगी, नोटिफिकेशन कब आएगी कब नहीं आएगी। तो इसके रिस्पेक्ट में ही मेरे पास तीन चीज़ें हैं बोलने को, आप सुन सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि एग्ज़ाम्स पोस्टपोन होंगे या फिर कैंसिल होंगे, या फिर ओरिजिनल जो आपको डेट्स बता दी गई थी 19 जून, उसी डेट से हमारे एग्जाम्स कंडक्ट होने वाले हैं। तो इसके बारे में छोटी सी आप एक चीज़ समझिए, हमारी जो एक मेडिकल बॉडी है एपेक्स मेडिकल बॉडी विच इज़ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, वो सरकार को बताती है दैट व्हेन इज़ इट सेफ फॉर द पीपल टू कम आउट ऑफ देयर होम्स फॉर एनी एक्टिविटी व्हाटसो एवर। और उसमें इंक्लूड क्या होता है कि बच्चों के लिए कब सेफ होने वाला है अपने घरों से बाहर निकलना, किस चीज़ के लिए, एग्जामिनेशन सेंटर तक जाने के लिए, एग्जाम्स देने के लिए। तो जब भी ICMR हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बताती है कि अब बच्चों के लिए सेफ है, कि ये प्रिकॉशंस ऑब्जर्व करके वो एग्ज़ाम्स दे सकते हैं, और उसके बेसिस पे वो जो रिकमेंडेशन ICMR दी है उसके बेसिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कॉल लेती है एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के थ्रू क्या नोटिफाई करती है, उस पर ही डिपेंड करेगा कि आपके एग्ज़ाम्स कंडक्ट होंगे नॉर्मल टाइम पे, पोस्टपोन होंगे, कैंसिल होंगे, क्या होंगे। अगर 19 जून तक आपको ये दिख गया कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने नोटिफाई करके स्कूल्स एंड कॉलेजेस ओपन अप कर दिए, देन CA इंस्टीट्यूट, उसके साथ साथ मल्टीपल आपके अलग अलग इंस्टीट्यूट्स, मल्टीपल कॉलेजेस, स्कूल्स, जिनके जितने भी पेंडिंग एग्जाम्स हैं सब कंडक्ट करने लग जाएंगे विद ऑब्जर्विंग ऑल द प्रिकॉशंस जो भी गवर्नमेंट ने बताई है। ऑन दी अदर हैंड, अगर 19 जून तक भी यही पोस्टपोनमेंट चलते रही, ICMR ने भी बोला कि नहीं खुल सकते अभी, सेफ नहीं है, गवर्नमेंट ने भी बोला अभी सेफ नहीं है, स्कूल कॉलेजेस बंद रहेंगे, तो कोई भी इंस्टीट्यूट चाहे नोटिफिकेशन टाइम पर निकाले या फिर नहीं निकाले, दे विल नॉट बी एबल टू कंडक्ट योर एग्जाम्स, आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये तो थी पहली बात, अब बात करते हैं दूसरी बात की। तो दूसरी बात ये है, कुछ बच्चे क्या कह रहे हैं कि सर मूड नहीं बन रहा, पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा, जिसकी वजह से हम क्या चाह रहे हैं कि चाहे सेफ हो या फिर नहीं हो विद द प्रिकॉशंस ऑफ कोर्स, हम घर से बाहर नहीं निकलना चाह रहे क्योंकि मन नहीं कर रहा था पढ़ाई करने का, पढ़ाई हम कर नहीं रहे लॉकडाउन पीरियड में, अगर एग्जाम्स 19 जून पर कंडक्ट हो गए हम सीधा सीधा पक्की बात है फेल होने वाले। तो ऐसे बच्चों को कन्विंस करने की कोशिश करता हूँ मैं कुछ पॉइंट्स रख के कि आप घर पे बैठ के पढ़ाई कर लीजिए, पढ़ाई में कहीं भी कट डाउन मत करिए अपने एफर्ट्स को। तो एक चीज़ समझने की कोशिश करिए, आप अपने दिमाग में डालिए कि जब भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट होते हैं, मैं कहता हूँ जून में एग्ज़ाम्स कंडक्ट होते हैं, पोस्टपोन करके जुलाई में होते हैं, या फिर कैंसिल करके लेटेस्ट से नवंबर के अंदर आपके एग्ज़ाम्स कंडक्ट करे जाते हैं, जो भी कॉल ली जाती है उसके बारे में हम डिस्कशन नहीं कर रहे, उसके बारे में आपको कुछ भी कन्विंस नहीं करना चाह रहा कि एग्ज़ाम्स इस टाइम पर होने चाहिए, वो तो कॉल ले ली जाएगी। लेकिन जब भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट होने वाले हैं, आप मुझे बताइए क्या दो कैटेगरी के अलावा कोई और कैटेगरी हो सकती है बच्चों की? नहीं हो सकती, दो ही कैटेगरीज हो सकती हैं। सबसे पहली कैटेगरी क्या होगी, वो बच्चे जिन्होंने लॉकडाउन वाले पीरियड में भी अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी कट डाउन नहीं करा, वो वैसे ही पढ़ाई करते रहे जैसे 1 मई से एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, और जब पोस्टपोन कर दिए गए तो वैसे पढ़ाई करते रहे जैसे 19 जून से एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। उन्होंने एक तरह से, अगर उनका 12 घंटे का आउटपुट चल रहा था विद द कंसिडरेशन की 1 मई से एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, एग्ज़ाम्स पोस्टपोन होने के बावजूद उन्होंने 12 घंटे के आउटपुट को नहीं, तो ये तो पहली कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स हैं। दूसरी कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स क्या हैं, उन्होंने जैसे ही पोस्टपोनमेंट होती देखी उन्होंने कहा अपनी प्रिपरेशन को कट डाउन करो, 12 घंटे से गिरा के 4 घंटे पे कर दिया। वैसे ही जैसे ही उनको लॉकडाउन एक्सटेंड होता देखा उन्होंने कहा फर्दर पोस्टपोनमेंट होगी, 4 घंटे को भी गिरा के 2 घंटे पे कर दो, या फिर उन्होंने इतना तक स्पेकुलेट कर लिया एग्जाम्स कैंसिल होने वाले हैं नवंबर में होंगे तो अभी थोड़ा टाइम पढ़ाई नहीं करते, हफ्ते दो हफ्ते बैठ जाते हैं फिर पढ़ाई करनी शुरू करूंगा, दोबारा वैसे ही 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, ऐसे धीरे धीरे पेस बढ़ाऊंगा। तो ये दो ही कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स हैं, पहली कैटेगरी जिनकी पढ़ाई लॉकडाउन की वजह से इफेक्ट नहीं हुई, एंड दी अदर कैटेगरी जिनकी लॉकडाउन की वजह से बहुत ज़्यादा एडवर्सली इफेक्ट हो गई पढ़ाई। अब आप मुझे बताइए, जब भी एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं जून जुलाई नवंबर, कभी भी जब पेपर में ये दो कैटेगरी ऑफ बच्चे बैठेंगे, इनमें से कौन सा बच्चा ज़्यादा अच्छे से स्कोर करेगा? ऑफकोर्स यही बच्चा अच्छे से स्कोर करेगा, क्योंकि ये कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स ये धड़ाधड़ पढ़ाई कर रहे थे। आप शायद ये सोच के बैठे थे कि दो मेरे को रिविजन्स करनी है, अब एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है, दो रिविजन्स मैं स्प्रेड आउट कर सकता हूँ, और इस स्प्रेड आउट टाइम में 2-2 घंटे का आउटपुट भी निकालता हूँ, 2 रिविजन्स कंप्लीट हो जाएंगी। ये कैटेगरी ऑफ बच्चे क्या कर रहे थे, दो ही रिविजन्स करनी थी इनको भी, लेकिन क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम मिल गया अब इन्होंने 2 की जगह 8 रिविजन्स कर ली है। ये बच्चे रैंक्स लेके आ रहे होंगे, पहली बार में पास हो रहे होंगे, उन 20% बच्चों में फॉल करेंगे जो कि पास होते हैं, और जो बाकी 80% बच्चे फेल होते हैं उसमें कौन आने वाले हैं, मोस्टली ये बच्चे आने वाले हैं। अब आप अपने आप को किस कैटेगरी में लाना देखना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप क्या कॉल लेना चाहते हैं।
दूसरी चीज़ मैं आपको कन्विंस करने के लिए क्या बोल सकता हूँ, ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं जिनके पेरेंट्स एक्सपायर हो गए थे एग्ज़ाम से 2 दिन पहले, 5 दिन पहले एग्ज़ाम वाले डे पे, एंड स्टिल दे गेव द एग्ज़ाम्स एंड क्वालिफाइड। अब अगर आपको लगता है कि आपके पास ऐसा कोई जेन्युइन रीज़न है, इतना बड़ा रीज़न भी ना भी हो, आपको लगता है आपको खाने पीने में दिक्कत आ रही है, कोई और हेल्थ इश्यूज़ हैं, कोई भी चीज़ है, तो देर इज़ नो नीड फॉर यू टू टेक एनी प्रेशर कि आपको पढ़ाई अभी भी करनी चाहिए। आप रिलैक्स करिए, आपके पास एक जेन्युइन रीज़न है। लेकिन अगर आपके पास जेन्युइन रीज़न नहीं है एंड स्टिल यू आर फॉलोइंग इन दिस पर्टिकुलर कैटेगरी, इन दिस सेकेंड कैटेगरी, और लॉकडाउन होने की वजह से आप पढ़ाई नहीं कर रहे, देन आप अपने लिए खुद रीज़न क्रिएट कर रहे हैं, अपने लिए खुद जस्टिफाई कर रहे हैं किस चीज़ को, उस फेलियर को जो कि आप आगे जाके फेस करने ही वाले हैं, बिकॉज आप प्रिपरेशन अच्छे से नहीं कर रहे, लेकिन काफ़ी सारे बच्चे अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो दिस इज़ द लास्ट वीडियो जो कि मैं बना रहा हूँ इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, और इस चीज़ को कंक्लूड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि एग्ज़ाम्स आपके होंगे नहीं होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, उसके बारे में मत सोचिए। आपको कोई नहीं कह रहा, मैं आपको कभी भी कन्विंस नहीं कर रहा कि आपको एग्ज़ाम्स देने ही चाहिए, घर से बाहर निकलना ही चाहिए। मुझे पता है सेफ्टी इशूज़ हैं, लेकिन घर में अपनी घर की कन्वीनियंस में, घर की सेफ्टी में बैठ के पढ़ाई ना करने के लिए आई डोंट थिंक काफ़ी सारे बच्चों के पास कुछ खास जेन्युइन रीज़न्स होने वाले हैं। तो जेन्युइन रीजंस नहीं है आपके पास पढ़ाई ना करने के, तो पढ़ाई करिए, प्रिपेयर होइए। और ऐसे ही बच्चों के लिए जो भी पढ़ाई करना चाहते हैं, जो कि थोड़ा कुछ स्केड्यूल लेना चाहते हैं, मैं स्केड्यूल भी अपलोड कर दूंगा आने वाले 1-2 दिन के अंदर कि आपको किस तरीके से 19 जून तक अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए। और इसके साथ साथ मैंने आपको एक और वीडियो प्रॉमिस करी थी मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में, कि मैं आपको मनी लॉन्ड्रिंग के कुछ प्रैक्टिकल सीक्रेट्स बताऊंगा कि कैसे मनी लॉन्ड्रिंग करी जाती है। वो वीडियो भी मैं आजकल में आपकी अपलोड कर दूंगा। दिस इज इट फ्रॉम माई साइड, टेक केयर, बाय।